हो जाएं सावधान, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब फिर चलेगी धूल भरी आंधी। बारिश और बिजली कड़कने को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने अब फिर जारी की चेतावनी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम विभाग की चेतावनी। खबर में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों में बारिश की अब फिर संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि यूपी में आज और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में भी आज लगातार झमाझम, कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश होने की आशंका मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। इसके अलावा राजस्थान के कई इलाकों में भी हल्की, कहीं मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज धूल भरी आंधी चलने को लेकर भयंकर अलर्ट जारी कर दिया है। आंधी, तूफान और बिजली कड़कने को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है। वहीं पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिनमें अब फिर बारिश, आंधी, तूफान को लेकर यहां भी और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बादलों की आवाजाही शुरू होने के कारण इस दौरान आज हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित 23 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटे लगातार मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से गर्मी के सीजन में पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। इसके असर से दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में तापमान कम चल रहा है, यानी मैदानी इलाकों में हीट वेव और सख्त गर्मी से कुछ राहत मिली है। अब एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसके असर से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। हवा का वेग अत्यधिक होने के कारण किसी भी तरह की हानि से बचने के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। अगले 24 घंटे के बीच अचानक मौसम में बड़े परिवर्तन होने की संभावना है जिससे तापमान में एक बार फिर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। यूपी में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं वाराणसी यूपी का सबसे गर्म शहर रहा, यहां पर 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं तापमान यूपी के लगभग सभी जिलों में 39 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यूपी के लगभग सभी जिलों में आंधी, तूफान के साथ बिजली कड़कने को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बलिया, आजमगढ़, मऊ देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर, श्रावस्ती, गोंडा, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या जिले शामिल हैं। इन जिलों में मौसम विज्ञान विभाग ने अब फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो तमिलनाडु, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा, मराठवाड़ा में भारी बरसात हुई। उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले भी गिरे। बीते दिन सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के बीकानेर में 45.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मौसम से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।